नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। सलासर टेक्नो में लगातार 2-3 दिन से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 18 रुपये 62 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% की गिरावट आई है। 46 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। जहाँ से ओपन हुआ वहीं से कंटिन्यू धीरे 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 करके नीचे आता गया और अभी जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शेयर बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है, पहले से बता चुका हूँ। 5 स्ट्रेंथ 2 वीकनेस 1 अपॉर्चुनिटी 6 थ्रेड्स 56% क्राइटेरिया का कंपनी फ्लिक कर रही है। टेक्निकल ट्रेंड इसका बेरिश हो चुका है बुलिश से और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिड रेंज का देखने के लिए मिल रहा है। इस कंपनी ने यहाँ पे दिया था बोनस 29 रुपये के आसपास, तब से इसमें कंटिन्यू गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। आज इसमें टोटल 8 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं और डिलीवरी परसेंटेज इसमें 70% का निकल के सामने आ रहा है। शेयर यहाँ पे एसएम के लिस्ट से भी बाहर आ चुका है बहुत पहले ही, लगभग 1 हफ्ता हो गया बाहर आया था तो मैं आप लोगों को अपडेट दिया था 5%। हालांकि इसका सर्किट लिमिट अभी भी है, सर्किट लिमिट बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। अब देखिए बात करेंगे अगर इसके चार्ट की, तो चार्ट पे मैं आप लोगों को क्लियर बता चुका हूँ कि बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहीं पे मैं बता दिया था कि स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अभी तक होल्ड करके मतलब चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो केवल मनोरंजन के लिए देख रहे थे, उस पर रिएक्ट करने के लिए या मेरे एनालिसिस के ऊपर आप एनालिसिस करने के लिए नहीं कर रहे देख रहे थे वीडियो। तो ठीक है, देखिए अभी लास्ट सपोर्ट है और इसीलिए मैं वीडियो बना के फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ कि लास्ट है। जहाँ पे प्राइस जो एक बार आया था, दो बार आया, 3 बार आया और चौथी बार आ रहा है। मैं आप लोगों को अपने पिछली वीडियो में अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया कि 1 बार 2 बार 3 बार कहीं पे बार बार रिटेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको ब्रेक करने के लिए जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। और बोला भी तो था कि अगर इस बार ये नीचे आता है तो इस लेवल को ये ब्रेक कर सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी किसी एक चीज को हम लोगों को तोड़ना होता है तो वहां पे चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो कोई भी, तो उस पर बार बार जो है हम लोगों को चोट करना पड़ता है, ठीक है ना, तोड़े से उस पर चोट करना पड़ता है तो वो चीज कमजोर हो जाती है। तो ये एक तरह से आप इसको लॉजिक के हिसाब से समझिए कि ये एक हथौड़ा पहला मारा गया, ये दूसरा हथौड़ा और ये तीसरा हथौड़ा, ये चौथा हथौड़ा में यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तो इस तरह से बनता है। और यहाँ पे एक यहाँ पे देखेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी दिख रहा है, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो एडवांस अब बनता है, अब इसी तरह से बनता है, ये परफेक्ट हो जाता है एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इस तरह से डिसेंडिंग। और फिर यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड में तेजी और नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड में एक गिरावट आने की संभावना रहती है। तो देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, अब इस बार तो ये ब्रेकआउट दे देगा नीचे की साइड में, नहीं तो बाई चांस अगर सस्टेन कर जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनाया है। मैं आप लोगों को क्लियर बोला हूँ लॉन्ग टर्म वाले इसको केवल होल्ड करेंगे और अगर विश्वास है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, और केवल केवल टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल छोड़ दीजिए, अब टेक्निकल एनालिसिस का काम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। जब बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाता है मारते हैं तो कई सारा हाई कई सारा लो बन जाता है, तो फिर टेक्निकल एनालिसिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है कि कौन सा हाई को हम लोग इम्पोर्टेंट समझे, कौन से लो को इम्पोर्टेंट समझे, कहाँ पे लेवल। तो अभी भी सेम उसी हम लोग पहले जो अभी से मैं 6 महीने पहले जो एनालिसिस किया था उसी एनालिसिस पे मैं अभी भी अडिग हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा हम लोगों को। अब हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल 1 21 रुपये 50 पैसे पे डो करना पड़ेगा जो 25 रुपये पे था। अब जब तक 21 रुपये 50 पैसे के लेवल को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें जो दिक्कत रहेगा वो बना रहेगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें दिक्कत तो अभी ये भी है कि ये इसका नेक्स्ट, पहले तो रेजिस्टेंस इसका 20 रुपये ही फेस करने के लिए मिल जाएगा, अब तो 20 रुपये पे भी इसका रेजिस्टेंस बन चुका है, तो 20 रुपये और 21 रुपये ये दो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें गिरावट का व्यू बना रहेगा और गिरावट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। नीचे ये 16.5 रुपये 16 रुपये तक जा सकता है, 16.5 रुपये और 16 रुपये अगर ब्रेक कर देता है बाई चांस, हालांकि मेरा तो भी हुआ है कि 16.5 रुपये 16 रुपये ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि पहला सपोर्ट मेरा था 23 रुपये पे, दूसरा सपोर्ट था 19 रुपये पे और तीसरा सपोर्ट है 16 रुपये पे। 23 कटा था तभी बोल दिया था कि अगर सेल करना चाहते हैं सेल करिए, नहीं तो अगला सपोर्ट है 19। 19 कटा था तो भी मैं बोल दिया था कि अगर सेल करना है तो सेल कर सकते हो आप लोग, नहीं तो नेक्स्ट सपोर्ट 16 बनेगा। अगर 16 रुपया ब्रेक होता है नीचे के साइड में तो फिर सीधा ये जो है 12 रुपये को टच करने के लिए नीचे के साइड में
जा सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि अभी भी संभावना है कि रिकवरी कर जाएगा, लेकिन वहीं मार्केट कैसा रहेगा उस पे ये डिपेंड करेगा। मार्केट में आज 0.3% की तेजी हुई है, 70-75% की तेजी तो है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी निगेटिव हो आ चुका है। जो भी निफ्टी तेजी में है वो केवल आईटी की वजह से, आईटी में 1.5% की तेजी आई है ना, उसके वजह से ये जो है निफ्टी पॉजिटिव में है, नहीं तो ये भी निफ्टी भी निगेटिव में होता। तो देख लीजिएगा, हालांकि देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, बाकी आगे भी अपडेट देता रहूँगा। लाइक करिएगा आप लोग, लाइक आप लोग नहीं करते हो इसीलिए वीडियो थोड़ा बोला भी हूँ कि एक एक हफ्ते में हो सकता है एक वीडियो आए या दो वीडियो आए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।